स्मैक तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान से स्मैक बेचने शिवपुरी आया था तस्कर। 10 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त। शिवपुरी जिले की फिजिकल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया स्मैक तस्कर राजस्थान से स्मैक लाकर शिवपुरी में बेचने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने दबिश देकर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 ग्राम स्मैक जब्त की है। थाना प्रभारी रजनी चौहान ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रजक धर्मशाला के पास गोरी कुंड रोड पर एक व्यक्ति स्मैक लेकर पैदल करबला तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर से रजक धर्मशाला के पास गोरीकुंड रोड से आरोपी मुरारी लोधी उम्र 32 साल निवासी कोटा भगवान तहसील छिपा बड़ूद जिला वारा राजस्थान के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक पाउडर जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया। कल दिनांक को फिजिकल थाना पुलिस को रात में 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति करबला रोड पर स्मैक लेकर जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस के द्वारा वहां पर घेराबंदी की गई तो रजत समाज की धर्मशाला के सामने एक व्यक्ति पैदल जाते हुए देखा, जिससे पुलिस के द्वारा 40 ग्राम स्मैक तलाशी लेने पर बरामद की गई। उसका नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम मुरारी लोधा सनोफ रोडूलाल लोधा उम्र 32 साल निवासी कोटडा मकवान तहसील छिपा बड़ौद जिला बारा राजस्थान का होना बताया। उक्त मुरारी लोधा से जो स्मैक बरामद की गई उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए के लगभग है। मुरारी लोधा को आज फिजिकल थाना पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।